नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN24। देवरिया ब्लॉक के तिलई बेलवा के निवासी कमलेश कुमार मिश्रा के पॉली हाउस में लिखी कामयाबी की इबादत पर एक एकड़ से अधिक स्थापित पॉली हाउस में उगाई बेमौसमी सब्जी एक साल में 30 लाख रुपए मूल्य की रंग बिरंगी शिमला मिर्च और बीज रहित खीरा की हुई बिक्री। जिलाधिकारी ने किया पॉली हाउस का निरीक्षण। कमलेश ने लगभग 2 साल पहले खेती में निवेश करने को ठानी थी तो लोगों ने विरोध किया और उन्हें कहीं और पैसा खर्च करने की सलाह दी। खेती किसानों में निवेश को घाटे का सौदा मानने वाले अधिकांश ग्रामीणों का मानना है कि खेल में किए जाने वाले निवेश से लागत निकलना ही मुश्किल होता है। लाभ दूर की कौड़ी है, लेकिन मजबूत इरादों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले कमलेश ने लगभग 40 लाख रुपए की लागत से अपने एक एकड़ खेत में पॉली हाउस की स्थापना की और रंग बिरंगे शिमला मिर्च तथा बीज रहित खीरे की खेती सेडनेट में प्रारंभ की। सरकारी योजनाओं से उन्हें लागत का 50% अनुदान भी मिला। पहले ही वर्ष उन्होंने लगभग 30 लाख रुपए के मूल्य के लाल पीला तथा हरे रंग के शिमला मिर्च तथा बीज शिवी खीरे का विक्रय किया। फिर आए हैं और आज तिलई बिलवा में कमलेश कुमार मिश्रा जी के मैं उसमें आया हूँ, पॉली हाउस में आया हूँ। चूँकि देवरिया जनपद को ज्वाइन किए मुझे 9 महीने लमसम हो रहे हैं और इस 9 महीने में जब DHO खासकर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो समीक्षा होती थी, मेरा एक प्रश्न हमेशा रहता था कि यहाँ पर पॉली हाउस के कितने स्ट्रक्चर हैं। मुझे जान के बड़ा ये सुखद आश्चर्य होता है कि पूरे देवरिया जनपद में मात्र एक ही ये पॉली हाउस है जो कि कमलेश मिश्रा जी का है। आज यहाँ जब हम लोगों ने देखा तो जो संरक्षित हॉर्टिकल्चर की क्रॉप होती है जिसमें आप देखेंगे तो फ्लोरिकल्चर भी कर सकते हैं, वेजिटेबल भी उगा सकते हैं, खीरा ककड़ी भी उगा सकते हैं, तो इनके फॉर्म पर इस समय जो है वर्तमान में 2 चीज़ें लगी हुई हैं, एक खीरा लगा हुआ है और दूसरा शिमला मिर्च लगी हुई है। तो ये बहुत अच्छा और उन्नत तरीका है खेती का, इसमें इनकम बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में राज्य सरकार 50% फ्लैट सब्सिडी देती है। तो मैं देवरिया के किसानों को यहाँ के लाइव के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि इसमें आगे बढ़ चढ़ के आइए। हम चाहते हैं कि देवरिया में इस साल कम से कम 100 पॉली हाउस इस तरह के बने। अब चूँकि डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट साइजेस के पॉली हाउस बनते हैं तो लोग अगर जहाँ हैं तो कोई 500 स्क्वायर मीटर से लेके 1000 से फिर 4000 बनवा सकते हैं। जैसे कमलेश जी ने यहाँ बनवाया है तो ये 4000 स्क्वायर मीटर में 2 पार्ट में बनवा रखा है, तो एक 2000 का लमसम है, दूसरा लमसम 2000 का है और जिसमें वैरायटी की ये क्रॉप ले रहे हैं। तो संरक्षित क्रॉपिंग में और ज़्यादा प्रोडक्शन का ये सबसे आधुनिकतम मेथड है, इससे क्रॉपिंग करें लोग और लेके इसका फ़ायदा लें।